जैसा कि आपको मालूम है कि शहीद भुट्टो की पोती मुतरमा फातिमा भुट्टो इस वक्त दुनिया में हर एक की नज़र उस पर है, और जैसे कि आप देख रहे हैं हालात इस किस्म के हुए हैं ख़ास तौर पे हमारे अपने पाकिस्तान में कि हुक्मरानों की वजह से और हमारा मुल्क जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। तो ये वो वक्त है कि हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो मुखलस और वाकई शहीद भुट्टो का वारिस और उसके लायमल पर चलने वाला, उसके विजन को लेके चलने वाला। मेरे ख़्याल में इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। दादे की शहादत के बाद वालद को भी शहीद कर दिया गया, और जो भुट्टो फैमिली को जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई और इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, तो इन हालात में उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो उस वक्त बहुत यंग एज में थी, बच्ची थी, तो मेरा ख़्याल में ये वक्त मुनासिब है। और मैं इस चीज़ के ऊपर उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि माशाल्लाह वो बहुत बहादुर खातून हैं, बहुत बहादुर सोच रखने वाली हैं, और वो अपने मुल्क से इस कदर प्यार करती हैं कि उन्होंने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कि उनके एक तरफ से नहीं चारों तरफ से ही प्रॉब्लम्स थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए जो उम्मीद थी वो नहीं छोड़ी, और माशाल्लाह उन्होंने कलम के ज़ोर से, कलम की ताकत से पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया कि वो वाकई एक मजबूत और पावरफुल और हमारे लिए एक ऐसी मिशलरा और ऐसा लीडर है जो कि हम पूरी दुनिया में इन लोगों ने उनको तारीफ़ की है। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो अभी थर्ड जनरेशन भुट्टो फैमिली के साथ जा रही है, तो हम लोगों को इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, दीवार से लगा दिया, और मेरे ख़्याल में यह है कि मैं इन हालात में ना इन लोगों के साथ चल सकती थी और ना चल सकूँगी। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि फातिमा भुट्टो जो हैं वो असल वारिस हैं, और इस चीज़ के ऊपर के उनकी क़यादत में हम इंशाल्लाह अपने खोए ख्वाब को, अपने गुमशुदा इमेज को बरकरार रखेंगे। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, ये सब कुछ है, उसके बावजूद मुझे अफसोस यह है कि वो उस बहादुर शहीद बीबी के बेटे हैं जिनको अपने वर्कर्स के साथ इतनी अटैचमेंट होती थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे कोई प्रॉब्लम्स में वो फौरन हमारा साथ रब्ता करती थी। और इनकी ये वीकनेस यही है कि इन्होंने अपने पुराने लोगों को बिल्कुल छोड़ के दूसरे लोगों को आगे किया, और जिनका इसके साथ कोई वफादारी नहीं। हम भुट्टो के जियाले हैं, भुट्टो वो शख्स है जिसने अपना प्रैक्टिकली करके दिखाया। फातिमा भुट्टो साहिबा जो हैं उनको हम मजबूर कर रहे हैं कि वो आएँ और अपनी क़यादत को संभालें, क्योंकि इस वक्त हमें उनकी ज़रूरत है, जबकि हर तरफ हमें नज़र आ रहा है कि मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानी हैं। आप देखें गरीब लोग जो हैं एक रोटी का लुकमा के लिए तरस रहे हैं, और अब तो ये हालात हैं कि लोग इतने बेबस और मायूस हो गए हैं कि उनमें ताकत ही नहीं रही। रोज़ आए दिन नया शोशा छुड़ा होता है कि जी आज बिजली महंगी हो गई है, आज आटा खाने की रोटी तक महंगी कर दी, तो उसके बाद और हम क्या कह सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि मैंने अभी विद इन वन मंथ मैंने अपनी तंजीमें तकरीबन जो हैं ज़िले सतह पर कंप्लीट कर ली हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, और यही चीज़ इंशाल्लाह हमारी कामयाबी का राज है। मेन वजह यही थी कि उनको सिवाय अपने मफाद और उन चीज़ों के और कुछ नज़र नहीं आता। हमारे बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब को उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, उनको कोई चीज़ करने नहीं देते, ना उनको राबता कराने देते हैं, ना कुछ। जुल्फकार अली भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान से अपनी सियासत का आगाज़ किया था, और अब ये वक्त है कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इंशाल्लाह फातिमा भुट्टो साहिबा जो हैं वो अपने दादा की रवायत को, अपने बाबा की कुर्बानियों को देखते हुए वो डी आई खान से ही स्टार्ट लेंगी, और मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाती हूँ कि हमारे डेरेवाल जो हैं उनका बड़ा पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। मैं अपने डेरेवाल लोगों को, अपने केपीके के लोगों को, अपने पाकिस्तान के लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा साथ दें, सच्चाई का साथ दें, हक का साथ दें। जिए भुट्टो।